फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों मुबारकबाद। और साथ ही मैं आज बनाने जा रही हूँ तिल खोए का चूरमा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बनाना। पैन गरम हो गया है, मैंने एक बाउल के करीब मैंने तिल लिए हैं, इनको मैं डालूंगी पैन में। और मैं इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करूंगी तिल को। ये देखिए मेरे जो तिल हैं वो चटकने शुरू हो गए हैं। अब ये इनको मैं बहुत ही हल्के हाथ से इसको अच्छे से तिल को जो है हल्का से इसमें जब कलर आने लगेगा बस इतना ही मैं इसको तिल को चटका लूँगी। स्लाइटली कलर आएगा। ये देखिए फ्लेम मेरी जो है वो मैंने मीडियम टू लो करी हुई है। अब ये देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं पैन जो है वो बंद कर दूंगी, गैस अपनी गैस मैंने बंद कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी जिससे कि जो है सारे जो तिल हैं वो अच्छे से मेरे उसमें कलर भी आ जाएगा और मेरे रोस्ट भी हो जाएंगे अच्छे से। हो गए हैं, मैं अब इसको निकाल दूंगी और इसे मैं ठंडा कर दूंगी तिल को। ये मैंने 250 ग्राम्स खोया लिया है, 250 ग्राम मैंने ये खोया लिया है, इसको मैं डालूंगी पैन में। इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पर इसको मैं भून लूंगी। खोए को हम भून लेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम में ही। हम खोए को भुनेंगे अच्छे से। खोए में थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने डाला है हाफ बाउल के करीब, मिल्क पाउडर मैंने डाला है इसमें। मिल्क पाउडर डाल के मैं इसको भी खोए में मिक्स कर लूंगी और भून लूंगी खोए के साथ। मिल्क पाउडर डालने से जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। आधा बाउल मैं इसमें शुगर डालूंगी, चीनी डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ बाउल ली है चीनी, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। इसमें इलायची पाउडर जाएगा 1/4 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून यहाँ पे देसी घी जाएगा। इन सबको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। लीजिए फ्रेंड्स रेडी है बनके हमारा तिल खोए का चूरमा। सर्दियों में बहुत ही हेल्दी है, आप इसे रोज खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी डिश है ये, खाने में सबको टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।